good morning, dear students. Uh, yesterday, uh, in the last video, we have talked about uh, uh, nernst equation, how to apply nernst equation. Uh, in today's lecture, uh, we shall be talking about uh, how to apply nernst equation uh, for numerical purposes. Uh, so uh, the first numerical, uh, based upon the nernst equation, is uh, calculate the electrode potential of कॉपर वायर डिपडेन इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट तो इस नमेरिकल में कहा गया कि आपने कॉपर की वायर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का नहीं बोला उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है और उसने कहा कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में बोला है कि जो कॉपर की वायर है उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया और वो कॉपर सल्फेट सल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है तो आपने ये भी बताया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का 0.34 वोल्ट है तो इस नमेरिकल की स्टेटमेंट से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नमेरिकल है वो हमें कैलकुलेट करना है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए और वो सिंगल इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन सी है कॉपर सारे रिएक्शन रिडक्शन की फॉर्म में लिखने होते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर टू प्लस ऑइन है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी नन्स्टिक्वेशन अप्लाई करनी है फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था कि नंस्टिक्वेशन मैंने दो तरह की ड्राइव करवाई थी आपको एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कराई थी और एक सेल के लिए तो यहाँ पे सेल की बात ही नहीं हो रही सिंगल इलेक्ट्रोड की फार्मूला लगेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर माइनस जीरो डेसिमल जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ठीक है तो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सॉलिड ये प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट की कॉपर टू प्लस की मोल कॉन्सेंट्रेशन कल के वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में आपने ये भी आ, समझा था कि ज़ीरो डेसिमल जीरो फाइव नाइन वन कैसे आया तो उसमें आपको बताया था कि टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री को एट पॉइंट थ्री वन फोर और आ, उसके अलावा 298 केल्विन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 96,500 कूलम से तो हमारे पास जीरो जीरो फाइव नाइन वन आ गया था एन तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट यहाँ पर चलो तो ही हमने दिखाने हैं क्योंकि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉड है तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन ही शो करना है अब ये जो इक्वेशन है e इज इक्वल टू ई नॉट माइनस जीरो डेसिमल जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर टू प्लस तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आ, लाइक लास्ट वीडियो में इससे इमिजिएटली पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि सॉलिड की मोलो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा और एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है टू पुट कर देनी है तो इसलिए ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस जीरो डेसीमल जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू लॉग वन अपॉन सी यू टू प्लस यहाँ हमने कॉपर सल्फेट uh, की मोलो कॉन्सेंट्रेशन को पुट करना है जो कि कितनी गिवन है जीरो पॉइंट वन मोलर तो अब हम पुट करेंगे और साथ में उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का जीरो पॉइंट थ्री फोर दिया है यानी ई डिग्री सो ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री फोर कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस जीरो जीरो अपॉन टू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो गेन कर रहे थे लॉग वन अपॉन यानी कि कॉपर की ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है मोलो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है मोलो कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो पॉइंट वन है यहाँ पे पुट कर दी तो ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन को टू से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू नाइन फाइव फाइव आ जाएगा और ये ज़ीरो पॉइंट वन का टेन बन जाएगा लॉक टेन हो गया ठीक है लॉक टेन किसकेल होता है वन के इक्वल होता है तो ये वन हो गया इसको आप जीरो पॉइंट ज़ीरो टू नाइन फाइव फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए ये उतना ही रहेगा इसको जीरो पॉइंट थ्री फोर में से सब्सट्रैक्ट कीजिए ये भी वोल्ट में है तो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ जाएगा जीरो डेसिमल थ्री वन जीरो फोर फाइव वोल्ट ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा ये आपका पहला न्यूमेरिकल है आई एम वेरी श्योर के आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा ठीक है ओके तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए निमेरिकल जो है वो निकाला गया है सेल के लिए जब निकालेंगे तो या फिर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे सेल लिखना है यहाँ पे भी सेल लिखना है लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। तो नमेरिकल करने के लिए आप ये इमिजिएटली इससे पहले वाला वीडियो यानी कि कल वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए तो ही ये नमेरिकल जो हैं वो आपके निकल पाएंगे ठीक है ओके चलते हैं आगे सेकेंड नमेरिकल पे तो जो सेकेंड नमेरिकल है ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का निमेरिकल है इसमें उसने कहा है कि एक जिंक की रॉड है उसे 0.1 पॉइंट मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट में डिप किया गया है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 0.1 पॉइंट मोलर Zn2+ की आ गई Uh, उसके बाद उसने कहा है कि जो सॉल्ट है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, वो 95 फाइव परसेंट डिशिएट करता है 298 केल्विन पे, और आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं उसने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई निकालना है और ई नॉट जिंक इलेक्ट्रोड का माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट गिवन है तो जब भी कोई नमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रोड रिडक्श इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना है जो कि रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए तो इसमें जेड एन टू प्लस जो है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बन जाएगा नॉन स्टिक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई करोगे ई इजिकल टू ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू क्योंकि यहाँ पे एन था तो n यहाँ पे क्या है टू टू लॉग ऊपर प्रोडक्ट यानी जिंक सॉलिड नीचे जेड एंड टू प्लस तो जिंक सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है यहाँ पे वन आ गया अपॉन जेड एंड टू प्लस आ गया तो यहाँ E ई इजिकल टू ई नॉट की बजाय हमने E जेड एन टू प्लस जेड एन यानी कि इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ जिंक लिखा है यहाँ पे हमने इजिकल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ जिंक लिखा है ये जो नॉट का साइन है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड को रिप्रेजेंट करता है अच्छा इस न्यूमेरिकल में ये भी कहा गया है कि ये जो 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट हैं 95% फाइव परसेंट करता है यानी आपने 95% 0.1 परसेंट जीरो का लेना है ठीक है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिर 0.1 नहीं रहेगी यानी आपने 95% परसेंट ऑफ 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का लेना है तो नाइन्टी फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट वन की बजाय अब आपके पास आ जाएगा ज़ीरो डेसिमल ज़ीरो नाइन फाइव मोलर यानी मोलर कॉन्सेंट्रेसन जीरो पॉइंट वन चेंज हो के ज़ीरो डेसिमल ज़ीरो नाइन फाइव मोलर हो गई क्योंकि उन्होंने कहा है कि जीरो पॉइंट वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नाइन्टी फाइव परसेंट कर गई है अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे टू तो पुट करा ही हुआ है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स यहाँ पर पुट करेंगे ठीक है तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो कि माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट गिवन है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया अभी फिर से बता रहा हूँ ये कैसे आया था यह आया था 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 जो कि गैस कांस्टेंट था मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाय फेरेडे 96,500 ठीक है तो फिर 0.0591 आया था तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया लॉग 1 और Zn2+ की कंसंट्रेशन जो है 0.1 नहीं रही उसका 95% परसेंट है यानी जीरो डेसिमल ज़ीरो नाइन फाइव है ठीक है अब मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाता हूँ हमने पोटेंशियल जिंक का निकालना है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स लिखिए इसकी कटिंग कर दीजिए ज़ीरो डेसिमल ज़ीरो टू नाइन फाइव फाइव आ जाएगा ये लॉग है तो पॉइंट ज़ीरो नाइन फाइव यानी कि डेसिमल को हटा दें तो ऊपर थाउजेंड हो जाएगा तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा यानी कि लॉग थाउजेंड क्योंकि डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर जीरो 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 यानी कि लॉग थाउजेंड आ गया माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग नाइन्टी फाइव लॉग ए माइनस लॉग बी यहाँ तक हो गया बच्चा अब आगे हमारे पास है माइनस ज़ीरो पॉइंट सेवन सिक्स माइनस ज़ीरो डेसिमस ज़ीरो टू नाइन फाइव फाइव ये अब थ्री कहाँ से आ गया थ्री मैंने नीचे सॉल्व करके दिया है अगर किसी के लॉग वाला पार्ट आ, प्लस वन में वीक है तो वैसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम के चैप्टर में और थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर में लॉग पढ़ाते हैं तो लॉग थाउजेंड का लेना हमने लॉग थाउजेंड मीन व्हाट लॉग टेन रिज तो टू पावर थ्री यानी कि थ्री पावर आगे आ गया जाती है लॉक टेन लॉक टेन क्या होता है वन थ्री इंटू वन इजिकल टू थ्री अब पता चला कि लॉक थाउजेंड की जगह पे थ्री क्यों लिख दिया अब कई जने सोच रहे होंगे ना जिनको लॉक के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है नहीं देखिए ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको नहीं पता मैं कह रहा हूँ कि किसी हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो तो लॉक थाउजेंड थ्री लॉक थाउजेंड इजिकल टू थ्री राइट तो लॉक थाउजेंड को थ्री कैसे बनाया लॉक थाउजेंड इजिकल टू लॉक टेन इज टू पावर थ्री पावर आगे आ गया जाती है लॉक टेन बच जाता है लॉक टेन वन होता है वन को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए थ्री आ गया अब आपने log नाइन्टी फाइव देखना है log टेबल में ये वन डेसिमल नाइन सेवन 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 है हाँ वो बात अलग है कि जब आप लॉक टेबल देखेंगे तो डेसिमल के बाद चार प्लेसेस तक जाने की जरूरत नहीं है आप वन डेसिमल नाइन सेवन सेवन तक ही चले जाएं इस फाइन गुड इनफ ठीक है तो इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कीजिए इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास मतलब सॉल्व कर लीजिए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तो सारा नेगेटिव में ही आएगा तो आपने निकालना क्या था आपने निकालना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का कितना आ गया ठीक है ये आ गया माइनस सेवन नाइन ज़ीरो टू वन वोल्ट ये बच्चे आपका आंसर है ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेरिकल हाँ जी बच्चा ये था आपका सेकेंड मेरिकल तो इसमें नेगेटिव का साइन मिसिंग uh, था आप जब वीडियो देख रहे थे नहीं बाकी कहीं पर भी नहीं लास्ट में पर मैंने uh, बोला है कि ये नेगेटिव साइन लगेगा तो मैंने ये लगा भी दिया है ठीक है तो अब हम अगले नमेरिकल पे चलते हैं थर्ड नमेरिकल पे ये जो पहले दो नमेरिकल हमने निकाले हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉड के लिए निकाले हैं अब हम uh, जो नमेरिकल नॉन्टिक्वेशन का कैलकुलेट करेंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉड के लिए नहीं होगा बल्कि सेल के लिए होगा ठीक है तो मैंने काफ़ी कैलकुलेशंस जो हैं सिंप्लीफाई करके नीचे नीचे मतलब लिखा हुआ है कि कैसे मैंने सिंपलीफाई किया है लॉग वगैरह तो हमारे पास जो थर्ड मेरिकल है उसमें कहा गया है रेप्रजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस मैग्नीशियम सॉलिड प्लस टू सिल्वर जीरो डेसिमल ज़ीरो जीरो जीरो वन मोलर दिस इज गिविंग अस मैग्नीशियम टू प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो मोलर प्लस टू ए जी सॉलिड तो ये रिएक्टेंट हो गए ये प्रोडक्ट हो गए जो सॉलिड होते हैं उनकी मोलर कॉन्सनट्रेशन तो वन uh, होती है यूनिटी होती है तो ये मैग्नीशियम प्रोडक्ट हो गया और सिल्वर जो है वो रिएक्टेंट हो गया तो इसके अलावा उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन और सिल्वर का प्लस जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट गिवन है तो सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे अब देखिए ये माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन है और सिल्वर की कितनी है प्लस पॉइंट एट ज़ीरो तो मैंने क्या बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा या कम होगा दैट विल बी एन

और इसकी कॉन्सेंट्रेशन चलो हमें गिवन है 0.130 ये शॉर्ट ब्रिज का साइन है फिर सिल्वर जो है प्लस ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं इसकी मोलो कॉन्सेंट्रेशन भी मेडिकल में गिवन है ज़ीरो डेसीमल ज़ीरो जीरो डेसिमल जीरो 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 वन मोलर ठीक है और फिर स्लैश सिल्वर सॉलिड ये आपका सेल बन गया तो सेल रिएक्शन क्या बना मैग्नीशियम प्लस टू ए जी प्लस ये जो ऊपर दिया हुआ है मोलो कॉन्सेंट्रेशन अब मत लिखो एंड वी गेट मैग्नीशियम टू प्लस प्लस टू ए जी नॉन स्टिक्रेशन अप्लाई करो अब पिछले जो थो तो मेडिकल करे थे उसमें हमने यहां पे ई e एंड यहां पे ई e डिग्री लिखा था क्योंकि वो सेल नहीं थे ये सेल है यहां पे हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो डेसिमल जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन मैग्नीशियम होगी क्योंकि सिल्वर तो सॉलिड है और ये वन हो जाएगा सिल्वर <coughs> सॉलिड है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन वन हो जाएगी मैग्नीशियम टू प्लस ऊपर आ गया अपॉन रेक्टन की कॉन्सेंट्रेशन रेक्टन की कॉन्सेंट्रेशन में भी ये मैग्नीशियम नहीं ले सकते ये सॉलिड है और सॉलिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन वन होती है सिल्वर को लेना है सिल्वर की स्टीचोमिट्री कितनी है टू जितनी स्टीचोमिट्री अगर होगी किसी ऑइन की तो उसे रेज करना है पावर के तौर पे तो इसलिए सिल्वर की जो स्टीचोमेट्री है मोलो कॉन्सेंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर को टू रेज कर दिया यहाँ तक लग गया पता अब जो जीरो जीरो फाइव नाइन वन है उसको टू से डिवाइड क्यों करा क्योंकि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितने हो रहे हैं टू हो रहे हैं उसके बाद सिंपल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 3.17 पॉइंट कहाँ से आया कहाँ से आया वेल well, आपको आ, याद है कि जो हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करे थे तो E नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था बताइए E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एनोड ठीक है तो ये कैथोड हो गया 0.80 माइनस माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो गए क्या आ गया थ्री पॉइंट वन सेवन अच्छा नहीं पता चला कहीं को ई डिग्री सेल कैसे निकालते हैं बताइए ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड एम आर राइट तो कैथोड इसमें क्या है सिल्वर है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है जीरो डेसिमल एट वोल्ट माइनस एनोड इसमें मैग्नीशियम है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन वोल्ट माइनस पाइनस प्लस कितना आ गया थ्री पॉइंट वन सेवन वोल्ट तो ई डिग्री सेल आपका आ गया थ्री पॉइंट वन सेवन वोल्ट कॉट अब पता चल गया थ्री पॉइंट वन सेवन वोल्ट कहाँ से आया तो बेटा अब आपको ये पता चल गया कि थ्री पॉइंट वन सेवन जो है वो कहाँ से आया ई डिग्री सेल थ्री पॉइंट वन सेवन कहाँ से आया तो आगे कॉन्टिन्यू करते हैं ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल जो है हमने अभी निकाल के दिखाया थ्री पॉइंट वन सेवन माइनस इसको इससे डिवाइड किया जीरो डेसीमल जीरो टू नाइन फाइव फाइव लॉग अब इसको सॉल्व करके जो आया है 1.30 पॉइंट थ्री ज़ीरो इंटू टेन रेज टू पावर सेवन अब ये मैं सिंप्लीफाई करके नीचे बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली वन पॉइंट थ्री जीरो इंटू टेन रेज टू पावर सेवन कैसे आया ये मैं सिंप्लीफिकेशन टिप्स दे रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा लॉग मैग्नीशियम अपॉन सिल्वर की पावर टू मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं पकड़ रहा हूँ लॉग मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन है पॉइंट पुट कर दी सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो वन पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो वन इसकी पावर थी टू टू रेज कर दी ठीक है तो अब ये जो पॉइंट वन थ्री ज़ीरो है कैन वी राइट इट लाइक दिस के वन पॉइंट थ्री जीरो इन टेन डिज टू पावर माइनस वन इज ईजी टू राइट मेरा डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाओ तो ये टेन डिज पावर माइनस वन हो गया ये जो है पॉइंट जीरो 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 वन ये टू पावर माइनस फोर है टेन एस टू पावर माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन एज माइनस एट ऊपर जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा प्लस एट में से माइनस वन करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस सेवन आ जाएगा तो वन पॉइंट थ्री जीरो तो पहले ही आ गया तो लॉग वन पॉइंट थ्री जीरो टू टेन टू पावर सेवन ये वैल्यू यहाँ पे किताब वाले ने पुट की होगी अब आपको बच्चों पता लग गया कि 1.30 पॉइंट थ्री ज़ीरो इन टू टेन डिज़ पावर सेवन कैसे आया ठीक है अब आपके लिए न्यूमेरिकल मैंने ईजी कर दिया है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू माइनस जीरो डेसीमल ज़ीरो टू नाइन फाइव फाइव अब कईयों को ये लॉग भी नहीं सॉल्व करना आता जो पावर्स होती हैं ना उनको आगे ले आते हैं तो पावर को आगे ले आए सेवन उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं ठीक है ये डेसिमल लगा दिया 1.30 का लॉग लॉग टेबल में देखना है वो पॉइंट वन वन थ्री नाइन होगा ठीक है अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट टू वन आएगा पॉइंट टू वन को थ्री पॉइंट वन सेवन में से सब्सट्रैक्ट करोगे तो टू डेसिमल नाइन फाइव नाइन आएगा एग्जैक्टली exactly. तो हम उसको टू पॉइंट नाइन सिक्स पकड़ लेते हैं तो इस तरह से आपका ई e सेल जो है वो निकल जाएगा आई एम वेरी श्योर कि मैंने आपको ये अच्छे से सिम्प्लीफाई करके दे दिया है सो फार एज आई मीन दिस इज़ कंसर्न के ये लॉग वगैरह कैसे सॉल्व करना था चलते हैं नेक्स्ट uh, नमेरिकल पे हमारे जो कि हमारा फोर्थ नमेरिकल है इसमें उसने कहा है कि ईएमएफ जो है सेल की 0.20 है यानी ई e सेल दे दिया ठीक है और ई नॉट सेल के लिए उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम का और निकल का दे दिया ठीक है आ, और फिर उसने सेल भी बना के दे दिया कैडमियम ये तो सॉलिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं कैडमियम टू प्लस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है यानी ये निकालना है इसने मेरिकल में मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैडमियम की निकालनी है ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है निकल की कॉन्सेंट्रेशन निकल टू प्लस की कॉन्सनट्रेशन टू मोलर है स्लैश निकल हो गया ये सॉल्ट ये उसने सेल दिया हुआ है आपको तो उसने कहा कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैडमियम की सोल्यूशन में निकालिए तो रिएक्शन क्या हो गया रिएक्शन ऐसा है कि उसने खुद ही बता दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है नोड है राइट हैंड साइड वाला पार्ट का थोड़ होता है यानी कैडमियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और निकल टू प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो so, कैडमियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैडमियम टू प्लस बन रहा है और कैडमियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा निकल टू प्लस गेन कर लेगा तो ये निकल बन जाएगा ये प्रोडक्ट की साइड होगी ये रिएक्टेंट की साइड होगी उससे पहले भी ई डिग्री सेल जैसे मैंने पीछे आपको एक रफ पेज पे निकाल के दिया था क्योंकि फार्मूला हमने क्या निकालना है लगाना है फार्मूला हमने लगाना है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉइंट टू लॉग कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन निकल की कॉन्सेंट्रेशन लेकिन uh, जो ई e सेल है 0.20 वोल्ट हमें गिवन है और जो ई नॉट सेल है ना वो निकालना पड़ेगा ए, ये जो कॉन्स ये जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है अब रिडक्शन पोटेंशियल एक माइनस पॉइंट फोर जीरो है और एक माइनस पॉइंट टू फाइव है लेसर वैल्यू किसकी है कैडमियम की ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया कैथोड ठीक है मैंने यही बताया था आपको टिप तो आप लगाइए फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन एनोड कैथोड क्या था माइनस पॉइंट टू फाइव लिख दिया माइनस एनोड की वैल्यू मैंने कहा था जो ज्यादा नेगेटिव होती है माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस पॉइंट फोर जीरो उसमें से माइनस पॉइंट टू फाइव को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव वोल्ट आ गया नॉन इक्वेशन अप्लाई करेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैडमियम अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकल अब कहेंगे सर निकल की क्यों नहीं ये इसकी क्यों नहीं ली भई ये सॉलिड है, है तो सॉलिड की मोल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है वन होती है ये भी सॉलिड है इसकी मोल कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी वन ऊपर कॉडमियम कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन नीचे निकल की कॉन्सेंट्रेशन तो नमेरिकल में तो कहा ही ये है कि कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए निकल की हमें गिवन है टू मोलर तो अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं ई e सेल हमारे पास है 0.20, पॉइंट टू ई नॉट सेल हमने अभी अभी निकाला 0.15 पॉइंट माइनस जीरो ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है अपॉन टू कर दिया लॉग ये निकालना है कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इसको ऐसे रहने दो और निकल टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टू मोलर है उसको पुट कर दो ठीक है यहाँ तक पता चल गया इसको वोल्ट को वोल्ट में से माइनस कर दो ठीक है तो पॉइंट फिफ्टीन को पॉइंट ट्वेंटी में से माइनस कर दो ये आ जाएगा पॉइंट जीरो फाइव इजिकल टू ये माइनस का माइनस रह गया इसको टू से काटो पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव फाइव ब्रैकेट लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए तो हमारे पास निकालना ही है मतलब लॉक एडमियम टू प्लस हमने निकालना ही है माइनस लॉग टू ये हमें गिवन है ठीक है अब ये से मल्टीप्लिकेशन में है ये वाली जो ब्रैकेट है माइनस पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव फाइव के साथ मल्टीप्लिकेशन में है हम इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली अगर आप नॉन मेड के बच्चे हो तो इसको इसके नीचे लेके जा सकते हैं नेगेटिव का साइन यहाँ पे रहने दे सकते हैं ठीक है तो इसको हम यहाँ पे लेके चले गए तो पॉइंट जीरो फाइव को पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव फाइव से डिवाइड करना है ये आएगा वन पॉइंट सिक्स नाइन टू टू ठीक है आगे चलते हैं माइनस लॉग कैडमियम जो कि हमारे पास है ही नहीं है माइनस लॉग टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस प्लस लॉग टू हो गया लॉग टू पहले लिख लो अब पॉजिटिव वैल्यू है माइनस ये तो माइनस ही रहेगा लॉग कैडमियम टू प्लस अब कैडमियम टू प्लस हमने निकालना है ठीक है चलो आगे चलते हैं तो आगे ऐसे करते हैं कि माइनस लॉग कैडमियम टू प्लस को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस लॉग कैडमियम टू प्लस और ये जो 1.692 है इसे राइट साइड पे ले जाते हैं इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सिक्स नाइन टू और आगे है प्लस लॉग टू इजिकल टू माइनस वन डेसिमल सिक्स नाइन टू लॉक टू की वैल्यू कितनी होती है लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो तो इसको और इसको ऐड कीजिए या इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए ये नेगेटिव वैल्यू है तो आपके पास आ जाएगा माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है माइनस वन डेसिमल थ्री नाइन वन जीरो हमारे पास आ गया लॉग कैडमियम इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट थ्री नाइन जीरो हमें लॉग कैडमियम नहीं निकालना था हमें कैडमियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो कैडमियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो लॉक को राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा तो एंटी लॉग हो जाएगा लॉग वेन गो टू वर्ड्स द राइट एंड साइड इट विल बिकम एंटी लॉग यहाँ पर भी एक पंगा है एंटी लॉग नेगेटिव टर्म का देखने के लिए हमें कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि ये जब लॉग इधर गया एंटी लॉग हो गया तो एंटी लॉग हमने देखना है माइनस वन पॉइंट थ्री नाइन वन ज़ीरो का तो माइनस टर्म का एंटी लॉग कैसे देखना है तो ये वाला माइनस जो है इसे ब्रैकेट के बाहर रखिए 1.3910 को ब्रैकेट के अंदर रखिए यहाँ पे एक रूल होता है माइनस वन प्लस वन अप्लाई कीजिए तो ये माइनस वन है ये भी माइनस वन है माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया माइनस टू इसे टू बार लिख दीजिए टू बार अच्छा सुन लीजिए ध्यान से ये माइनस वन है ये भी माइनस वन है माइनस वन और माइनस वन क्या हो गया माइनस टू ये माइनस टू लिख दिया डॉट पॉइंट सिक्स जीरो नाइन अब कहाँ से आ गया क्योंकि यहां पे तो पॉइंट थ्री नाइन वन जीरो है तो फिजिक्स में भी आपको बताते हैं और केमिस्ट्री में भी एक के चैप्टर में बताते हैं तो ये जो प्लस वन है इसमें से प्लस वन जो है इसमें से पॉइंट थ्री नाइन वन जीरो को सब्सट्रैक्ट कीजिए क्यों क्योंकि ब्रैकेट में बाहर जो साइन है वो नेगेटिव है तो वन में से जब आप माइनस पॉइंट थ्री नाइन वन ज़ीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा पॉइंट सिक्स ज़ीरो नाइन क्लियर अब ये रह गया कैडमियम ये जो टू बार है पावर बन जाएगी टेन एज टू पावर माइनस टू और पॉइंट सिक्स जीरो टू नाइन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन का एंटी लॉग टेबल में देखना है टेबल पे जाइए एंटी लॉग वाली जगह पे जाइए वहां पे पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्सटी होगा और आगे नाइन होगा उनकी वैल्यूज को देखिए वो होगी थ्री नाइन एट वन तो आपने डेसिमल को वन प्लेस के बाद लिख देना नहीं आपको वहाँ पे 3.981 नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे मिलेगी 3.981 जब आप टेबल में एंटी लॉग पॉइंट का देखेंगे आपको 3.981 मिलेगा डेसिमल को आपने वन प्लेस के बाद लिख देना 3.981 पॉइंट नाइन एट वन माइनस टू हो गया तो ये मोलो कॉन्सेंट्रेशन है तो लेकिन अगर आप इसको और प्रिसाइजली लिखना चाहते हैं तो इसको इसके नीचे ले आइए ठीक है हंड्रेड के साथ डिवाइड कर दीजिए 3.981 थ्री पॉइंट नाइन एट वन को टेन डिस्टोपा माइनस टू इसके नीचे जाएगी तो टेन पावर टू हो जाएगी यानी हंड्रेड हो गया थ्री पॉइंट नाइन को हंड्रेड से डिवाइड कीजिए ज़ीरो ज़ीरो थ्री नाइन मोलर कैडमियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ जाएगी ठीक है दोबारा से बता देता हूँ ये जो टू बार है ये टेनिस्ट माइनस टू बन गया पॉइंट सिक्स जीरो नाइन का एंटीलॉग टेबल में देखेंगे तो थ्री नाइन एट वन आएगा डेसिमल को वन प्लेस के बाद लिखना है थ्री पॉइंट नाइन एट वन इंटू टेनिस्व माइनस टू टेन रिस्प माइनस टू को इसके नीचे ले जाइए हंड्रेड हो जाएगा थ्री पॉइंट नाइन एट वन को हंड्रेड से डिवाइड कीजिए जीरो डेसिमल जीरो 398 नाइन एट मोलर आ जाएगा इस तरह से कैडमियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गई जीरो डेसिमल जीरो थ्री नाइन एट वन ये रहा आपका आंसर आई वेरी श्योर के आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा ठीक है तो अगला करते हैं पर सोचिए कि जितना टाइम मैंने इस न्यूमेरिकल पे लगाया है वो आप को मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए लगाना चाहिए था या नहीं चाहिए था इसलिए कि शायद प्लस वन में कुछ बच्चों ने लॉग एंटी लॉग सिंप्लीफिकेशन ना करी हो चाहिए था इसलिए शायद आप में से कुछ मेडिकल के बच्चे हों चाहिए था इसलिए कि शायद कुछ बच्चों का मैथ्स वीक ही होता है नहीं चाहिए था इसलिए क्योंकि आपने पसवन में ये सब कुछ करा हुआ तो हम चाहिए ना चाहिए के चक्कर में लग जाते ही नहीं है मैंने करा दिया ना आपको अब आप वीडियो को दो चार बार देखिए डैम श्योर हंड्रेड परसेंट श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल ओके फिर हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं मैं अब आपको एक पांचवा न्यूमेरिकल जरूर करवाना चाहता हूं Uh, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमेरिकल है बहुत सारी एग्जामिनेशन में आता है तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फिफ्थ मरिकल तो ये भी uh, वैसे सिंगल इलेक्ट्रॉड का है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का है खास करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का है उसने इसमें पीएच निकालने के लिए बोल दिया उसने कहा कि एट व्हाट पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉड यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड Uh, जिसका पोटेंशियल uh, है पॉइंट वन वन एट नेगेटिव में और हाइड्रोजन uh, गैस को बबल करते हैं आपने एस एच ई का सेल की देखा ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल देखा हुआ ना जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कराए थे उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करवाया था तो हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो Uh, इसमें uh, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल uh, uh, जो है वो हाइड्रोजन uh, इलेक्ट्रोड का गिवन है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जो है वो डेफिनेटली ज़ीरो ही होता है आपको बताया हुआ बहुत बार तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का दे देता है नॉन स्टिक्वेसन अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस सेल नहीं है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वन लॉग uh, ये गैस है तो मैंने बताया था क्वेश्चन के वीडियो में लास्ट वीडियो में इमिजिएटली लास्ट वीडियो में कि वन बार प्रेशर पे टू एट केल्विन एट पे गैस का जो आ, आ, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यूनिटी होता है तो यहाँ पे वन लग गया अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन तो ये हमें गिवन है माइनस ज़ीरो पॉइंट वन वन एट इजिकल टू सीधे मैंने ये लिख दिया ये लिखा ही नहीं क्योंकि ये क्या है जीरो ये इसका ई नॉट कितना होता है जीरो डेसिमल जीरो जीरो वोल्ट तो ये मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि बहुत बार बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था जीरो होता है तो मैंने यही पकड़ लिया माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन लॉग वन अपॉन एच प्लस तो चलो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन और मैंने लॉग वन अपॉन एच प्लस की जगह पी एच लिख दिया क्योंकि ये मैंने नोट बनाया पी एच इक्वल होती है इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन हाइड्रोजन आइन कॉन्सेंट्रेशन या माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कॉन्सेंट्रेशन सो ये जो है लॉग वन अपॉन एच प्लस दिस इज इक्वल टू पी एच ठीक है तो बच्चा ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है ये कट गए ये इधर चला गया इसके नीचे चला गया आई मीन टू से पॉइंट वन वन एट को डिवाइड कर दिया पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन के साथ नेगेटिव नेगेटिव गए ये टू के साथ कट गया ये पीएच इधर रह गया पीएच किसके कोल हो गया टू तो आपका आंसर है बच्चा टू सो so, ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए मैंने जो पांचों नमेरिकल नॉन्ट इक्वेशन के सिलेक्ट करे हैं ये पांचों के पांचों ही नमेरिकल जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो बाकी दो तीन न्यूमेरिकल्स और हैं एग्जाम्पल्स में वो आप ट्राई करना तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताना ठीक है धन्यवाद थैंक यू वी कॉल इट अ डे लव यू ऑल